बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मेहुराज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय के 17 से 20 के पार्ट थ्री के रिजल्ट जो आई है 13 मार्च को, जो छात्र पास है अब वो कमेंट कर रहे हैं कि क्या हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए बिहार विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें जल्द से जल्द ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट हमें दे दी जाए। इसी पर हम बात करेंगे। पहला तो ये कि अभी आपको ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अभी आपको अप्लाई नहीं करना है। दूसरा, यदि आप जल्दबाजी करते भी हैं तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वह कब दिया जाएगा यूनिवर्सिटी को ये अभी पता नहीं है। दो सवाल, इसका जवाब हम वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या इसका जवाब होगा और कब तक के आपको डिग्री दिया जा सकता है। सबसे पहले, अभी आपको नहीं करना है ओरिजिनल डिग्री के लिए अप्लाई। आप कब करेंगे? जब आपका मार्कशीट जो है वो आपके संबंधित कॉलेज में आ जाएगा, वहाँ से आप कलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि कहा गया था कि प्रोविजनल भी इस बार मार्कशीट के साथ दिया जाएगा, लेकिन इस लॉकडाउन में पता नहीं प्रोविजनल प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा क्लू तो मिला है कि मार्कशीट प्रिंट हो गया है, लेकिन प्रोविजनल का अभी कोई क्लू पता नहीं चल पाया है कि वो प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मार्कशीट के साथ इस बार प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको दी जानी है, जो आपके कॉलेज ही देगी। मार्कशीट जब आपको दिया जाता है तो आपको बाबतर रजिस्टर पर आपसे सिग्नेचर करवाए जाते हैं और तमाम छात्र छात्राएं जो मार्कशीट ले लेते हैं उनका रजिस्टर मेंटेन होता है और वो रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाती है। तो 17 से 20 के तमाम छात्र छात्राएं जब तक कि आपके हाथ में ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आ जाती है तब तक के मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं होगा कि आप ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई आप करेंगे। 3 से 4 दिनों बाद एक वीडियो हम बना करके आपको हम बताएंगे किस तरीके से आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम आपके सेशन का नहीं, आपसे जो पिछले सेशन वाले हैं जो काफ़ी 2-3 साल पहले पास कर चुके हैं उनका हम आपको अप्लाई करके बताएंगे। लेकिन आपके पास जब ओरिजिनल मार्कशीट आ जाएगी तभी आप अप्लाई करेंगे। आप जो देख पा रहे हैं ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर डिग्री सर्टिफिकेट, यही वो पोर्टल है जहाँ से आप ओरिजिनल डिग्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होती है। उसके बाद से यहाँ पर आप जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस आपके सामने दिए जाते हैं। पहला होता है कि सेल्फ कलेक्ट, क्या आप यूनिवर्सिटी में खुद जाकर के आप लेना चाहते हैं। इसके चार्जेस अलग होते हैं, मेरे हिसाब से इसके चार्जेस आप शायद 400 है या 500 है। 500 हुआ था तो शायद बीच में कुछ छात्र नेता ने आवाज़ उठाया था तो 700 रुपये कम किए गए थे, तो शायद 400 होगा। वो हम अप्लाई जब करेंगे तो उस वक्त पता चल जाए कितना अभी चार्ज है। पहला है सेल्फ कलेक्ट यूनिवर्सिटी में, क्या आप खुद जाकर के लेना चाहते हैं। और दूसरा होता है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने एक नई यहाँ पर स्कीम लाई है, इसे हम कहें तो कि आप अपने घर पर भी घर बैठे मंगवा सकते हैं, या आप बिहार में नहीं हैं आउट ऑफ बिहार हैं तो जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर भी मंगवा सकते हैं। और एक ऑप्शन यहाँ पर और यूनिवर्सिटी ने डाल दिया कि आउटसाइड इंडिया, यदि आप विदेश में हैं और चाहते हैं कि विदेश तक हमारी डिग्री जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर पहुँचे तो यूनिवर्सिटी के पास ये भी व्यवस्था है यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए, लेकिन सभी के चार्जेस अलग अलग है। यहाँ पर विद इन स्टेट है, आप घर पर मंगवाएंगे तो शायद एक हम अनुमानित फ़ी जो है वह मान करके यहाँ पर बता करके चलते हैं, क्योंकि फ़ी में भी काफ़ी लगभग 2-3 महीने पहले इधर उधर हुआ था। तो शायद घर पर आप मंगवाते हैं तो शायद 700 रुपये है, उसके बाद से आप आउट ऑफ बिहार मंगवाते हैं तो 900 है, और विदेश के लिए शायद 1100 या 1300 है, इतना ही आसपास में है। तो कंफर्म तो नहीं लेकिन एक अनुमानित जो मैं आपको बताया है डिग्री फी चार्जेस सभी के लिए वो यही है। तो विद इन स्टेट आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपना यहाँ पर घर का एड्रेस देना होता है, उसके बाद से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आउट साइड स्टेट, तो आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का देना पड़ता है एड्रेस आपको एरिया पिन कोड के साथ। उसके साथ ही आउटसाइड वाला जो आप देख पा रहे हैं आउटसाइड में भी बिल्कुल वैसी हैं, यदि आप विदेश में हैं तो वहाँ का भी पूरा एड्रेस आपको देना पड़ता है। तो यहीं से आपको डिग्री अप्लाई करनी है। और दूसरी बात जो है, पहला तो आपको जब तक कि मार्कशीट ओरिजिनल नहीं मिल जाता तब तक आपको नहीं करना है, और दूसरा बात यह है कि यदि आप अभी कर भी देते हैं तो डिग्री सर्टिफिकेट आपको कब दिया जाएगा यूनिवर्सिटी को भी नहीं पता है। 15 से 18 वाले आपसे 2 साल पहले उन्होंने परीक्षा पास कर ली होगी, 16 से 19 वाले उन लोगों को भी अभी तक के ओरिजिनल डिग्री नहीं मिला है, उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है उसके बाद ही। और 17 से 20 वाले अभी तो अगर आपको अप्लाई नहीं करना है मार्कशीट जब तक के ना जाते हैं तब तक के, तो हो सकता है कि अब 15 से 18, 16 से 19 और 17 से 20 तीनों को एक साथ डिग्री
दी जाए। डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज होती है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी कैंपस में एक इवेंट होती है, वहाँ पर VC मौजूद होते हैं और हायर इंस्टीट्यूशन के जो वहाँ पर लोग होते हैं वो आते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी होती है तो वहाँ पर स्टेट के गवर्नर भी जाते हैं और बाज़ाब्ता वहाँ पर आपके एक ड्रेस होते हैं और आपको एक कैप दिया जाता है और बहुत ही सम्मान के साथ आपको डिग्री दी जाती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, तो फिल्म में नहीं वो रियलिटी में भी वैसे ही करना है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसे हम कहते हैं दीक्षांत समारोह। तो दीक्षांत समारोह बिहार यूनिवर्सिटी में अब तक की ये तय नहीं हुआ है कि किस दिन होगा और 15 से 18, 16 से 19 और 17 से 20 वाले को डिग्री किस दिन दिया जाएगा, ये अभी तक के तय नहीं हुआ है। जब तक के गवर्नर राजभवन से एक दीक्षांत समारोह की तिथि नहीं आ जाती है तब तक के आपके डिग्री को होल्ड करके रखा जाएगा, क्योंकि जैसा कि नियम है आपको जो डिग्री दी जाती है डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन की जो तिथि है जो रिकॉर्ड में रखी जाती है वह उसी तिथि को शामिल किया जाता है जिस दिन दीक्षांत समारोह का आयोजन उस यूनिवर्सिटी कैंपस में होता है और वहां पर डिग्रियां दी जाती है। यूनिवर्सिटी ने लगभग जब सेकेंड वेव कोरोना का नहीं आया था तो 2020 में ही अक्टूबर नवंबर में आपको पता है कई रिपोर्ट आए थे कि दीक्षांत समारोह होने वाला है, उसमें 17 से 20 वाले को डिग्री नहीं दिया जाएगा क्योंकि उस वक्त तक एग्जाम नहीं हुआ था। 15 से 18 और 16 से 19 वाले को वो दिया जाना था। दीक्षांत समारोह की जो तिथि होती है वह राजभवन से खुद तय होकर के आती है कि इस दिन इस यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह होगा, लेकिन 2020 अक्टूबर नवंबर में जो होने वाला था वो वैसे ही रह गया, कोई तिथि आया ही नहीं। उसके बाद से 21 में कोरोना वायरस जो आई सेकेंड वेव काफ़ी खतरनाक है जिसके कारण अभी दीक्षांत समारोह नहीं हो पाई है। तो ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको अभी नहीं दिया जाएगा जब तक के दीक्षांत समारोह की तिथि और ये दीक्षांत समारोह नहीं हो जाता है तब तक के आपके जो डिग्री होंगे वो होल्ड पड़ी रहेंगे। हाँ, आपको सारे कार्य करने के लिए आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक हम कहें तो वो हमारा सर्टिफिकेट ही होता है, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट तब तक के वैल्यूएबल होती है जब तक कि आपको ओरिजिनल डिग्री नहीं दे दी जाती है। तो 17 से 20 वाले आप प्रोविजनल से भी काम चला सकते हैं और डिग्री आपको तभी दी जाएगी ओरिजिनल वाले जब तक कि दीक्षांत समारोह नहीं हो जाता है। बिहार यूनिवर्सिटी में 3 सेशन के छात्र बचे हुए हैं। यहाँ पर कहा गया था कि टॉपर्स को बुला करके उसमें बाज़ाब्ता वहाँ पर स्टेज पर दिया जाएगा, डिग्री दी जाएगी, बाकी सबको वही ऑनलाइन करेंगे और डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन की जो तिथि होगी डिग्री पर वही चढ़ेगी जिस दिन दीक्षांत समारोह होगा। उसके बाद ही आपके डिग्री को मतलब कि आप जहां अप्लाई करने के बाद आप जहां पर भी मंगवाना चाहते हैं आप मंगवा पाएंगे। अभी 16 से 19 वाले भी अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन यहां पर ऑनलाइन डिग्री की जो है डिग्री बहुत सारी डिग्री अपलोड की गई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, लेकिन इसमें 16 से 19 वाले का डिग्री नहीं है, होल्ड पर है, क्योंकि दीक्षांत समारोह अभी नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी में और तिथि भी अभी निर्धारित नहीं हुई जिसके कारण डिग्री अभी होल्ड पर है। 17 से 20 वाले अभी आप इंतजार कीजिए मार्कशीट के, उसके बाद से आप डिग्री अप्लाई करेंगे तब आपको डिग्री दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।